हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग बैंक बोर्ड 2021 के लिए VVI क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इस टाइप का प्रश्न रहता ही है ना। तो इसमें देखिए, है ना, सबसे पहले देखिए AD का मान दिया हुआ है। AD कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। DB दिया है 3 सेंटीमीटर, और AE दिया है 1 सेंटीमीटर, और इसी हमको फाइंड करना है ना। इसी हमको नहीं पता है, तो हम लोग इसका हल करने के लिए देखिए आराम से पहले लिखिएगा क्या है। त्रिभुज का नाम लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ काम कर रहे हैं? ए बी सी में DE है ना, DE समांतर BC, DE का समांतर क्या? BC है, BC। उसके बाद क्या लिखेंगे? DE समांतर BC। उसके बाद इसका अनुपात लिखना है, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, DB बराबर AE बट्टा BC, AE बट्टा BC। कहाँ से होता है? ये सेल्फ प्रमेय से होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, सेल्फ प्रमेय से ये होता है। अब देखिए AD का मान कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, और DB का मान कितना? 3, बराबर AE का मान 1 सेंटीमीटर बट्टा BC। इसी हमको पता नहीं है, तो इसी को इसी लिखना है ना, क्योंकि इसे हमको फाइंड करना है। अब देखिए वज्र गुणन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। 1.5 सेंटीमीटर को इसी से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1.5 BC बराबर 3×3। अब इसी निकालना है। देखिए 1.5 यहाँ गुना में है इसके साथ, यहाँ आने से क्या होगा? भागा में। अब पॉइंट हटाने से क्या आता है? उसके बदले एक आता है, उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो, एक अंक है पॉइंट के बाद, एक अंक में एक जीरो दे देना। अब देखिए इसी बराबर 10 × 3 कितना आता है? 30 होता है, 30 और 15 यहाँ बच गया, पॉइंट हटा तो 15 हो गया। अब 15 का पहाड़ा से दो बार में कटेगा, 15 × 15, 15 × 2 = 30, इसीलिए इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का प्रश्न आता ही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न में देखिए करते हैं, इसमें AD हमको फाइंड करना है ना, AD हमको पता नहीं है, तो इसमें भी लिखिए त्रिभुज ABC में AD बट्टा DB, AD यहाँ AD है बट्टा DB, इसका अनुपात लिखना है DB बराबर AE बट्टा BC, AE बट्टा BC। कहाँ से होता है ना? सेल्फ प्रमेय से है ना, सेल्फ प्रमेय से। अब देखिए AD का मान हमको नहीं पता है, तो AD को AD ही लिखना है बट्टा DB, DB का मान कितना? 7.2 सेंटीमीटर है, और AE का मान कितना है? 1.8 बट्टा इसी का मान 5.4। अब देखिए वज्र गुणन करेंगे है ना, तो 5.4 × AD, 5.4 AD, और इधर से गुणा करेंगे वज्र 7.2 × 1.8, 7.2 × 1.8, आप लोग को गुना पता ही होगा। देखिए 8 × 16 हाथ में 1, 8 × 7 = 56, 56 × 1 = 57, फिर 1 × 2 1 × 7 = 7, 2 × 2 = 9, 6 × 7 = 9, 7 × 5 = 12। अब देखिए एक अंक के बाद और एक अंक, एक और एक, दो अंक, दो अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे है ना, तो कितना आएगा? 12.9। एक स्टेप में छोड़ दिए हैं, नहीं तो आप लोग लिख ही दीजिए 7.2 × 1.4, तो 5.4 से लिखेंगे। अब इसको गुना करने से कितना है? 12.96। अब देखिए AD का हमको पता नहीं है, डी करना है 12.96, यहाँ देखिए गुना में, इधर आने से क्या? भागा में कर देंगे है ना, भागा में कर देंगे। अब देखिए पॉइंट हटाइए, उसका बदले एक आता है, एक पॉइंट पर दो अंक तो 2 0, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर में एक आएगा, एक अंक है उसके बाद 1 0। देखिए AD बराबर 1 0 1 0 कट गया, यहाँ 1296 हो गया बट्टा 54 को 10 से गुणा करेंगे, 54 रहा 540, चलिए ऊपर में इधर बनाते हैं। AD बराबर हम लोग का कितना रहा? 1296 भागा 540। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 1 0, 2 × 12 2 × 8 और 2 × 8 = 16, फिर 2 से कटेगा, 2×1 = 2, 2×3 = 6, 1 इधर आ गया, 2×5 = 10, फिर 2 से 2×3 = 6, 2×4 = 4। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखना है,
तीन से कट जाएगा, तीन चौके 12 हाथ में एक आया इधर कर देंगे, तीन चौके 15 फिर तीन से तीन एक 3 तीन आठे 24 अब फिर तीन से कटेगा, तीन तीन 9 और 10 18 तीन एक 3 तीन पाँच 15 उसके बाद फिर 15 36 है ना, चौथे 3 5 15 तीन एक 3 अब देखिए 12/5 आ गया है ना, तो 5 से भाग देंगे है ना, 12 5 से क्या करना 12 भाग देंगे, 5 2 10 पॉइंट का बदले 0 5 4 0 तो एडी बराबर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।